नमस्कार, वंदना किचन में स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मोमोज, वो भी एकदम आसान तरीके से और बिना कांदा लहसुन का। बिना कांदा लहसुन का भी मोमो बहुत टेस्टी बन सकता है और मैं बनाई हूँ, आप कभी जरूर ट्राई करिएगा। चलिए हम मोमो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोमोज बनाने के लिए मैं पत्ता गोभी और गाजर को कद्दूकस कर ली हूँ। अभी मैं मिक्स कर दूंगी दोनों को, ये देखिए। और 2 चम्मच मैं नमक ऐड करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि जितना पानी छोड़ना रहे छोड़ दे, फिर मैं पानी से इसका निकालूंगी, निचोड़ूंगी। तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। मैं मैदा ली हूँ, नमक ऐड कर दी, ऑयल ऐड कर दी। अभी नॉर्मल पानी से चिकना आटा गूंथ के तैयार कर लूंगी, ये देखिए आटा गूंथ के रेडी हो गया है। ये देखिए सब्जी में जो है मैं पानी पूरा निचोड़ दूंगी, नमक डालने की वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा छोड़ा था सब्जी में। इसी तरह से ये देखिए पानी इतना निकल गया। हरी मिर्ची मैं ऐड कर दूंगी, अदरक घिस के डाल दूंगी और काली मिर्च पाउडर जो है ऐड कर दी मैं, हरा धनिया, आप कांदा लहसुन भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दी मैं और अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तब अभी देखिए, अभी मैं इसे बेल लेती हूँ, ये देखिए। और इसी तरह से मैं जो है मोमोज को सेप दूंगी, ये देखिए इसी तरह से सब मोमो मैं बना लूंगी, ये देखिए, ये देखिए। स्टीम के लिए मैं पानी रख दी हूँ, पानी जो है उबल रहा है। चालन में मैं ऑयल भी लगा ली हूँ, दूसरा भी बना लेती हूँ। इसी तरह से मैं सब मोमो में बना लूँगी, ये देखिए, ये देखिए। इसी तरीके सब मोमो बना ली, स्टीम होने के लिए जो है मैं रख दी हूँ। 15 से 20 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। देखिए मोमो जो है 15 से 20 मिनट हो गया, पक गया है। मैं प्लेट में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, दिखने से ही कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और बिना कांदा लहसुन का बहुत टेस्टी मोमो बनके तैयार हुआ है, आप कभी ज़रूर ट्राई